जरूरी है। यह है MNS News Network, रात बिक रहे हैं MNS News TV। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर नासिक से सामने आ रही है। चालक को सोता देख चोरों ने 350 लीटर डीजल लूट लिया। मुंबई आगरा हाईवे पर रविवार 7 मई 2023 को सुबह 11:30 दोपहर 12 बजे के बीच मथुरा से मुंबई जा रहे तेल टैंकर क्रमांक यूपी 4032 का चंद्रा वार्ड में चोबे सर्विस स्टेशन के सामने अचानक टायर फट गया और सर्विस पर रुक गया। रात में सड़क आसपास पंचर हटाने वाली दुकान को तलाशने के तलाशा, लेकिन रात का समय होने के कारण दुकानें नहीं खुली, इसलिए चालक कार में सोता रहा। वह सुबह काम पर जाने के बहाने कार में ही सो गया। सुबह चालक ने देखा कि कार के डीजल टैंक से डीजल चोरी हो गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी टैंकर चालक ने दी। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। संजय राउत ने खत्म की उद्धव ठाकरे की शिवसेना। केशव उपाध्याय, संजय राउत ने शिवसेना को खत्म कर दिया है। अब उनका लक्ष्य महाविकास अघाड़ी के तत्वों को खत्म करना है। कल उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की और आज उन्होंने एनसीपी की आलोचना की है। अन्य दलों के बार बार अपमान करने के बावजूद वे पार्टी के बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने शिवसेना में रहकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म कर दिया है, लेकिन अब उन्हें महाविकास अघाड़ी घटक पार्टी को खत्म करने का लक्ष्य नजर आ रहा है। केशव उपाध्याय ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के पहले कोई भविष्य नहीं था। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर धूले से सामने आ रही है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को धूले का समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहलवान का यौन शोषण करने वाले कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस विरोध को समर्थन देने के लिए सभी पार्टियों के खिलाड़ियों ने मौन धरना देकर अपना समर्थन दिया है। आज धुले में गांधी प्रतिमा के पास इस आंदोलन में 300 से अधिक खेल संगठनों के स्पोर्ट्स स्कूल एथलीट और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समय कई लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। खेल संगठनों को विधायकों, सांसदों और राजनेताओं से मुक्त किया जाना चाहिए। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष श्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में धरना शुरू कर दिया है। महिला पहलवान ने यौन शोषण के लिए के खिलाफ यह आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज सुबह महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास 3 घंटे का मौन धरना दिया है। छत्रपति पुरस्कार विजेता एवं पूर्व विधायक एवं खेल कार्यकर्ता को शरद पाटिल ने नेतृत्व में एक गैर पार्टी आंदोलन आयोजित किया गया था। इस विरोध में व्यायामशाला के मास्टर, मॉल, विभिन्न संघों के पदाधिकारियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और शहर के कई महिला और पुरुष एथलेटिक ने विरोध स्थल पर दौरा किया और अपना समर्थन दिखाया। दोपहर बाद राष्ट्रगान के साथ धरना आंदोलन समाप्त हुआ। इस बीच तय हुआ कि जून माह में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने वाला बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनीश फोगाट समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को धूल चटाकर सम्मानित किया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TV आज डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।